हेलो गाइस, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कॉम्बैट नंबर 3 जियोटेक का। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। जिन लोगों ने नहीं भी आंसर दिया है या जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोग अपने आंसर मैच करिए, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो आंसर मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। जिन लोगों ने सही सॉल्व किया है वो लोग अपना टाइम इधर वेस्ट ना करें देखने में, वो लोग और कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। जिनका आंसर यदि 11.2 सेंटीमीटर आ चुका है, जिनका नहीं आया है, जिन्होंने गलत आंसर दिया है, आई रिक्वेस्ट कि वो लोग पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखेंगे। यहाँ पर उन लोगों ने मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पर क्ले लेयर है जिसका फाइनल सेटलमेंट अंडर अ गिवन लोडिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी 16 सेंटीमीटर है। फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, आफ्टर 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो सेटलमेंट होगा उसको मैं नाम दूंगा फाइनल सेटलमेंट। तो मैं मान रहा हूँ कि जो फाइनल सेटलमेंट है कैपिटल डेल्टा एच में उसको लिखूंगा, और वो 16 सेंटीमीटर मुझे दिया गया है। फिर बोला गया है 3 मंथ्स के अंदर उसके अंदर 4 सेंटीमीटर का सेटलमेंट हो जाता है। सो आफ्टर 3 मंथ्स आपके अंदर जो सॉइल में सेटलमेंट देखने को मिलता है वो 4 सेंटीमीटर को देखने को मिलता है। कितने टाइम में, विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। सो ये 3 मंथ्स में हमको 4 सेंटीमीटर का सेटलमेंट देखने को मिला। योर टीवी का रिलेशन दे रखा है, 25 मंथ्स में हमें इसका कितना सेटलमेंट है वो निकालना है। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि डेल्टा एच फाइनल सेटलमेंट है, अभी सेटलमेंट कितना हो चुका है 4 सेंटीमीटर का। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि यदि 4 सेंटीमीटर का सेटलमेंट हो चुका है तो कितना डिग्री ऑफ कंसल्टेशन कंप्लीट हो चुका है, क्या वो मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं परसेंटेज डिग्री ऑफ कंसल्टेशन स्मॉल डेल्टा एच बाय कैपिटल डेल्टा एच इंटू 100 से। तो आप लोग समझते होंगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हम बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल डेल्टा एच हमने क्या लिख दिया, 4 सेंटीमीटर, कैपिटल डेल्टा एच हमने 16 सेंटीमीटर लिखा, इंटू 100 हमने यहाँ से कर दिया। सो आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आ चुका है 25%, मतलब 25% आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब 16 सेंटीमीटर सेटलमेंट हो जाएगा मतलब 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये तो ही अपनी यहाँ तक की बात, ये कब हुआ, 3 मंथ में ये काम आपका हुआ है। अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि 25% ये टेबल में दिया हुआ है हमारे पास, अलग अलग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमें दे रखा है 25% के लिए या 25% के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीवी, द वैल्यू ऑफ टीवी इज 0.049। तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम द गिवन टेबल आपके पास जो टीवी का वैल्यू आ चुका है 25% के लिए वो आ चुका है 0.049। अब यदि आपके पास टाइम फैक्टर आ चुका है तो टाइम फैक्टर का हम यूज कर लेते हैं, जरा देखते हैं किस तरीके से टाइम फैक्टर का हम यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं तरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी हम लोग यदि पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि टाइम फैक्टर इक्वल टू होता है CVT डिवाइड बाय D2। अब CV क्या है यहाँ पर, दैट इज दी यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन, टीवी टाइम फैक्टर। तो जरा रखते हैं टाइम फैक्टर 0.049 इक्वल टू CV डिवाइड बाय D2 इंटू टी, टाइम कितना मंथ्स है, 3 मंथ्स। सो यहाँ से हम CV डिवाइड बाय D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये वैल्यू हम 0.049 डिवाइड बाय 3 निकाल लिए हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू आ गया, वो हमसे पूछ रहे हैं 25 मंथ्स के बाद कितना सेटलमेंट होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो पहले तो ये पता करो ना भैया कि 25 मंथ पर कितना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा वो आपको पता करना जरूरी है। 25 मंथ्स पर कितना टाइम फैक्टर निकलेगा वो पता करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने कहा आफ्टर 25 मंथ्स, और इन 25 मंथ्स भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 25 मंथ्स। पहले तो मैं ये निकालता हूँ कि 25 मंथ्स पर टाइम फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है। तो टाइम फैक्टर अगेन आपका सेम CV डिवाइड बाय D2 इंटू टी, ये होता है टाइम फैक्टर हम निकालना चाहते हैं। TV इक्वल टू CV डिवाइड बाय D2, उसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। और ये क्या है, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल थोड़ी ना चेंज हो रहा है, टाइम पास हो रहा है आगे। तो यहाँ पर यही सेम वैल्यू आप रख सकते हैं 0.049 डिवाइड बाय 3 CV बाय D2 की जगह, और टी कितना रखेंगे आप 25 मंथ्स। तो यहाँ से टाइम फैक्टर की जो वैल्यू मिल रही है
वो मिल रही है आपको 0.4083 के आसपास, टाइम फैक्टर इतना आ गया आपका। अब ये टाइम फैक्टर के लिए आप टेबल से पता कर लो कितना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। सो मैंने देखा 0.4083 इस टेबल में नजर आ रहा है क्या? हाँ, नजर एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू मैच होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ये वाला यहां पर हम देख सकते हैं तकरीबन 70% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमें अचीव होता है यदि टाइम फैक्टर 0.403 हो जाए तो। 70% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ले लूं मैं। मुझे वैसे भी अप्रोक्सीमेटली पूछा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर हमारा तो 0.4083 आ रहा है, यहां पर तो केवल 0.403 है, फिर आप कैसे ले सकते हो? तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलेगा ऊपर नीचे, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो यहां पर क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने इस तरीके से पैटर्न में बनाया है, तो 70% में मान लेता हूं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो चुका है। तो हमने यहां पे कहा, यहां पर हमने कहा कि आपका जो फ्रॉम द अबो टेबल, या मैं लिखूं फ्रॉम द टेबल आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 25 मंथ्स के अंदर कितना कंप्लीट हो चुका है? तकरीबन 70% कंप्लीट हो चुका है। यदि 70% कंप्लीट हो चुका है तो क्या मैं अगेन ये वाला फॉर्मूला लगा दूं क्या? यहां पर मैं 70% रख दूंगा, यहां पर फाइनल सेटलमेंट तो पता ही है मुझे 16 सेंटीमीटर, यहां से स्मॉल डेल्टा एच निकल जाएगा कि 25 मंथ्स में मुझे मेरी सॉइल में कितना कंसोलिडेशन सेटलमेंट मिला। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं और लिखूंगा कि हमारे पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाता है, डेल्टा स्मॉल एच डिवाइड बाय डेल्टा कैपिटल एच इंटू 100, ये परसेंटेज में निकलेगा। तो हमारे पास 70% है इक्वल टू डेल्टा स्मॉल एच, 25 मंथ्स के बाद मैं कैलकुलेट करना चाहता था, कैपिटल डेल्टा एच फाइनल सेटलमेंट 16 सेंटीमीटर है इंटू 100, तो यहाँ से मुझे स्मॉल डेल्टा एच का वैल्यू मिला 11.2 सेंटीमीटर, स्मॉल डेल्टा एच का वैल्यू, और ये ऑकर हुआ है आपके तकरीबन 25 मंथ्स के अंदर या 25 मंथ्स कंप्लीट होने पर। तो ये था आपका आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, 11.2 सेंटीमीटर इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। तो वहां पर देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नंबर क्या है आपका, मैंने कहा था ऑप्शन नंबर 1 ही रहने वाला होगा, ठीक है। चलिए, और मैं आपके साथ कॉम्बैट के क्वेश्चन देता रहूंगा, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब मिलते हैं ना हमें सॉल्व करने पे, तो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है, उसका एक अलग ही मजा होता है यदि आपके आंसर्स आ जाते हैं। कभी कभी आंसर्स नहीं भी आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो उसको लेके डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमसे गेट नहीं हो पाएगा, हमें कॉम्बैट के क्वेश्चन तो बन नहीं रहे हैं, हमसे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर हम गेट के क्वेश्चंस कैसे बना पाएंगे? जब एक्चुअल 2020 में जो लोग 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे वो सोचते होंगे कि यार मुझसे कॉम्बैट के क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर मैं कहूं कि मुझसे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा आगे, एक्चुअल गेट का पेपर मैं कैसे लिख पाऊंगा? तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, उसको ओवरकम करने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हार्डवर्क करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज दुनिया में मेहनत करने से हासिल की जा सकती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप हासिल ना कर सके, और उसके तुलना में गेट तो एक बहुत छोटा एग्जाम है। दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें मेहनत करके हासिल की जा सकती है, तो उसके सामने गेट तो एक बहुत छोटा एग्जाम है। I am 101% sure you people can qualify the gate with very good gate score card, right? So आप लोग इसी तरीके से enjoy करते रहिए, video watch करते रहिए, time पर answer देते रहिए, और कहीं पर आपको doubt आता है तो जरूर आप comment box में अपना doubt भी लिखेंगे, मुझे जैसे ही मेरे look में आता है वो comment जहां पर आप doubt पूछ रहे हैं तो मैं जरूर उसका reply करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं next video में, thank you।